अभी अभी इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सिवान जिले से आ रही है, जहां सिवान पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि सिवान पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को हथियार के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 40 स्कैम की पुड़िया व 5 मोबाइल बरामद किया है। इधर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर मामले की पूरी जानकारी दी। एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 13 नवंबर की रात्रि 11:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जिले के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालचंद्र हाता से सिवान आने वाले मार्ग में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर अपराध की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार आजाद के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया और पुलिस के पहुंचते ही मौके पर मौजूद 5 अपराधी पुलिस को देखकर बाइक से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को रंगे हाथ धर दबोचा। वहीं तलाशी के क्रम में उनके पास से 12 बोर का एक देसी कट्टा तथा 12 बोर का एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल बरामद हुए। वह गिरफ्तार 3 अपराधियों की पहचान मुसफ्फिल थाना क्षेत्र के बलेथा गांव निवासी निसार अहमद अंसारी का पुत्र तबारक हुसैन, बाबूजान अंसारी का पुत्र शमशेद अंसारी, मुश्ताक अहमद का पुत्र फैज अली के रूप में हुई है। आपको बता दें कि बीते 4 नवंबर की संध्या 6:30 बजे एक कपड़ा व्यवसायी मोहन गुप्ता को रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 अपराधी को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के सिंगड़वा निवासी शिवजी पासवान का पुत्र मतीश पासवान तथा सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के मुसहरी गांव निवासी सफीउल्लाह अंसारी का पुत्र वजीर अहमद की रूप हुई है। अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन तथा 40 स्कीम की पुड़िया भी बरामद किया गया है। तो एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर आपको हम बिहार के सिवान जिले से दिखा रहे, जहां सिवान पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि सिवान पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को हथियार के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 40 स्कीम की पुड़िया व 5 मोबाइल बरामद किया है। और सभी एक ही ग्रुप के हैं जो इस तरह का घटना कारित करते हैं। इनके पास से एक आर्म्स और 4 गोली तथा 40 पुड़िया स्मैक, ये लोग नशीली दवा का सेवन भी करते हैं या बेचते भी हैं, दोनों काम करते हैं, तो ये इतना इनसे बरामद किया गया है। तो इस तरह से यह बहुत बड़ी उपलब्धि है बरहरिया थाना क्षेत्र की। लेकिन अभी हम आपके सामने में यह जरूर कहेंगे कि अभी पुलिस का काम इस मामले में समाप्त नहीं हुआ है, अभी इस ग्रुप में और भी लोग शामिल हैं, इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं इन्होंने दी है, उस पर पुलिस काम कर रही है और निकट भविष्य में जो भी इस नेटवर्क में शामिल अपराधकर्मी हैं, बहुत जल्द ही पुलिस दम नजदीक पहुंच गई है, बहुत जल्दी उन सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी और मामले को अपराधी के इतिहास भी। हाँ, अपराधी के इतिहास है, वजीर अहमद और मतीश पासवान दोनों का अपना अपराधी के इतिहास है। ये लोग आर्म्स एक्ट, एक होमगार्ड की हत्या हुई थी उसमें भी वह वजीर अहमद इन्वॉल्व था, जिसमें वह जेल में था, अभी 2 माह पहले छूट के आया है। इसके अलावा गोपालगंज में भी इनका इन पर कांड है। तो ये लोग सभी अपराधकर्मी हैं और पहले से अपराध करते रहे हैं और जेल से छूट के आने के बाद पुनः सक्रिय। सर, इतने बड़े बड़े रही थी बरहरिया में 2 दुकानदार से रंगदारी की मांग की गई थी, उसमें एक दुकानदार है मोहन प्रसाद गुप्ता, उनको पहले मांगी गई थी रंगदारी, जिसमें उन्होंने कांड दर्ज किया था और उसमें अनुसंधान किया ही जा रहा था। इसके पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें एक धर्मनाथ सिंह थे, उनसे रंगदारी मांगने के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो उस मामले का पटाक्षेप हो गया। फिर एक नया ग्रुप आया जो बरहरिया मार्केट में एक कपड़ा व्यवसायी है मोहन प्रसाद गुप्ता, उनसे रंगदारी की मांग किया था और उसकी के क्रम में एक दिन उनके पर गोली चलाने की घटना घटित हुई थी। दोनों मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया और इसका अनुसंधान पुलिस कर रही है। घटना के मोहन प्रसाद गुप्ता पर जो गोली चलाने में शामिल थे 2 अपराधकर्मी, जिसमें एक का नाम है वजीर अहमद और दूसरे का नाम है मतीश पासवान, जिनको बाद में टेक्निकल अनुसंधान से और CCTV फुटेज से और अन्य स्रोतों से जिनकी पहचान हो गई थी, उस पर पुलिस एक SIT बनाया गया था SDPO के नेतृत्व में,
इसमें जीवी नगर थाना प्रभारी, बरहिया थाना प्रभारी, बसंतपुर थाना प्रभारी और सराय ओपी थाना प्रभारी और मुफस्सिल, ये सारे लोग मिल के इस पर काम कर रहे थे। तो कल दोनों अपराधकर्मी वजीर अहमद और मुतीस पासवान को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली और इन लोगों ने इस घटना में और भी लोग जो बैक द सीन हैं उनके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये दोनों रहने वाले हैं, बरहरिया थाना क्षेत्र के ही। एक है वजीर अहमद है मुसेहरी थाना बरहरिया और मतीश पासवान है सिंहोरवा थाना थावे, थावे जिला गोपालगंज।